बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। TV9 भारतवर्ष पर कश्मीर के आतंकवादियों के हिट लिस्ट है। आपको बता दें कश्मीर के वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट जारी हुई है। घाटी के टॉप 10 आतंकवादियों में से अब तक 3 ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें रियाज, नाइकू, सैफुल्ला, मीर गाजी और जुनैद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। घाटी के 7 वांटेड आतंकी अभी भी एक्टिव हैं, यानी इनका नंबर अगला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें TV9 भारतवर्ष पर कश्मीर के जितने भी वांटेड हैं सबकी लिस्ट जो है वो तैयार है। ये तमाम दुश्मन हैं जन्नत के, कश्मीर के, और इन दुश्मनों की लिस्ट जो है वो फौज ने तैयार की है। बड़ी बात ये है कि 10 में से अब तक 3 को ढेर कर दिया गया है। रियाज नाइकू, सैफुल्ला, मीर गाजी और जुनैद जो हैं ये तीनों मारे जा चुके हैं और बाकी 7 जो हैं वो एक्टिव हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इरफान, घाटी के जो दुश्मन हैं मिलिटेंट हैं उनमें से 10 की लिस्ट जो है वो आ चुकी है, 3 को ढेर कर दिया गया है, बाकी 7 कौन है, कितने खतरनाक हैं और कैसे ये लिस्ट बनाई गई, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए शुभांकर, पहले मैं बताऊं ये मोस्ट वांटेड लिस्ट पहले जब बुरहान सक्रिय था और उसके बाद बुरहान को मारा गया था उसमें भी एक टॉप 10 लिस्ट बनाई गई थी जिसमें सब मिलिटेंट्स को मारा गया। उसके बाद दूसरी लिस्ट बनाई थी जब रियाज नाइकू सक्रिय थे, तो रियाज नाइकू लिस्ट में जो टॉप वांटेड थे उनमें से भी मिलिटेंट्स जो थे उन्हें मारा गया मुठभेड़ में। अब जो लिस्ट आई है रियाज नाइकू के बाद जो मोहम्मद अशरफ है यानी अशरफ मौलवी अभी जो हिज्ब को लीड कर रहे हैं उसके चलते 10 वांटेड मिलिटेंट्स का लिस्ट बनाया गया है जिसमें 2 को अब तक मार दिया गया है और बाकी अभी लगातार सुरक्षा बलों के प्रयास है उन्हें बहुत जल्द जो है ट्रैप किया जाए। इस बीच एक और अहम बात, दूसरा लिस्ट जो हमारे पास है वो है श्रीनगर में टॉप 9 मिलिटेंट्स की लिस्ट जिसमें कुछ दिन पहले श्रीनगर में नदीम अबरार को मारा गया जो लश्कर के टॉप मिलिटेंट थे। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा बलों की जो रणनीति है वो साफ है, जो मिलिटेंट्स टॉप लिस्ट में हैं उन्हें पहले घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि करीबन 200 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स लश्कर हिज्ब जेश के अब तक हिरासत में लिए गए हैं, मिलिटेंट्स को भी हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप साफ है सुरक्षा बलों के सामने कि कौन कौन मिलिटेंट है जिन्हें पहले निशाना बनाना है ताकि कश्मीर घाटी में मिलिटेंट रिक्रूटमेंट कम हो, गतिविधियां कम हो और मिलिटेंसी पर नियंत्रण पाया जाए। आपको याद होगा जब बुरहान ग्रुप में टॉप 10 में जो लिस्ट में जो मिलिटेंट्स थे जिसमें सबजार था, समीर टाइगर था और भी कई मिलिटेंट्स थे, उन्हें जब मारा गया तो काफ़ी हद तक मिलिटेंसी पर नियंत्रण पाया गया, घुसपैठ बहुत कम हो रही है, लोकल रिक्रूटमेंट्स में काफ़ी हद तक कमी आई। तो अब जो लिस्ट तैयार हुई है ये 2020 और 2021 की लिस्ट है, इसमें भी 2 कैटेगराइजेशन किया गया है। शहर श्रीनगर के लिए अलग 9 वांटेड मिलिटेंट्स जो श्रीनगर सिटी में मिलिटेंट गतिविधियां करना चाहते हैं और कुल मिलाकर घाटी में 10 लोगों का लिस्ट बनाया गया है। तो उन पर फिलहाल सुरक्षा बलों का टारगेट है। आज भी पुलवामा के राजपुरा इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है जिसमें 1 मिलिटेंट अभी तक मारा गया है और 4 वहां मौजूद है, इस तरह की खबर सुरक्षा बलों को मिली है। इरफान, दर्शकों को ये बताइए आसान शब्दों में कि जब आपने कहा बुरहान से लेकर आगे जो लिस्ट बनाई गई क्या क्या बदलाव कश्मीर घाटी में देखने को मिला, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2020 और 21 की लिस्ट है जो आतंकवादियों की लिस्ट है, तो जरा बताइए इससे कितना बदलाव होता है कश्मीर घाटी में, कितना शांति से बढ़ती है और वहां पर क्या बदलाव घाटी में देखने को मिलता है जब ऐसे आतंकवादियों को ढेर किया जाता है या एक के बाद एक नई लिस्ट सामने आती है। देखिए शुभांकर, बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि देखिए अगर 2019 की बात करें, पहले साल 2019 की बात करें तो उसमें करीबन 200 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे गए थे। उसके बाद इसी तरीके को आगे चलाते हुए 150 मिलिटेंट्स 2020 में भी मारे गए, इस साल भी 60 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मारा गया। इससे कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल रहता है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में अमन और शांति को बहाल करने में सरकार, प्रशासन और सुरक्षा बलों को बहुत मदद मिलती है क्योंकि अगर लोकल रिक्रूटमेंट कम हो और जो वांटेड मिलिटेंट्स हैं या मिलिटेंट जो ऑलरेडी रिक्रूट हुए हैं जो गतिविधियाँ करते हैं उनको जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारा जाता है तो जो रिक्रूटमेंट में पहले ही कमी है तो उसके चलते अमन शांति को बहाल करना बहुत आसान होता है। और साथ ही साथ जिस तरह आप साल 2019 से लेकर साल 2020 और 21 के मार्च तक अगर बात करें तो मिलिटेंट बहुत गतिविधियां बहुत कम देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसी के चलते खासतौर पर 3 हफ्तों से मिलिटेंट गतिविधियां लगातार कहीं ना कहीं दिख रहा है, इजाफा हो रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि मिलिटेंट जानते हैं कि घुसपैठ नहीं हो रही है, बॉर्डर पर सीज फायर है, हथियारों की कमी है क्योंकि जितने भी मिलिटेंट मारे जाते हैं उनके पास पिस्टल या ज्यादा से ज्यादा AK-47 बरामद होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंसी पर कितना काबू पाया गया है साल 2019 से लेकर।
इरफान, क्योंकि आपने टॉप 9 लिस्ट की बात की है, तो एक बार जरा दर्शकों को लिस्ट बता देते हैं कौन कौन से वो आतंकवादी हैं। हम इनके पूरे नाम सहित आपको बता रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं और उसके बाद इनका क्या क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए तो वसीम का नाम सामने आता है, आदिल यहां पर नाम सामने आ रहा है, इरफान का नाम सामने आ रहा है, अहमद का नाम सामने आ रहा है, मंसूर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी आतंकवादियों की लिस्ट जो है, ये टॉप 9 लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो 9 आतंकवादी हैं जिनको आप मोस्ट वांटेड कह सकते हैं, जिनकी लिस्ट बनाई गई है साल 2020 और 21 के लिए, और ये लिस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। इरफान, इसी को लेकर एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि आपने कहा कि बदलाव होता है नए रिक्रूटमेंट में, लेकिन जब ऐसे लिस्ट सामने आती है तो क्या इससे यह भी इंपैक्ट पड़ता है कि जो नए लोग हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं, जिनके मन में थोड़े विचार हैं, उनमें भी एक खौफ आता है कि नहीं उस राह पर जाएंगे तो शायद हमारा भी वही हश होगा जो शायद पिछले साल वाली लिस्ट का हुआ या जो इस लिस्ट का हो सकता है? बिल्कुल शुभांकर, आपके सवाल से पहले मैं ये साफ करना चाहूंगा कि जो आप लिस्ट दिखा रहे हैं ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 9 मिलिटेंट वांटेड जो है उनकी लिस्ट है जी। दूसरी लिस्ट की जिसकी बात मैं कर रहा था मैं, वो टॉप 10 मिलिटेंट्स की है जो पूरी गाठी में वांटेड है। तो दो लिस्ट्स है ये, इन पर काम किया जा रहा है। जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं इसमें नदीम अबरार को कुछ दिन पहले मुठभेड़ में मारा गया पारिमपुरा के इलाके में। तो अब आपके सवाल पर आता हूं कि ये जो लिस्ट बनाई जाती है इससे पहले तो पब्लिक से ही लीड मिलती है सुरक्षा बलों को, और उससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स रिलेशन है वो इंप्रूव होता है और जो लोग परेशान रहते हैं मिलिटेंसी से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। तीसरा ये कि साफ जो संदेश लगातार सुरक्षा बलों का या इंडियन आर्मी का वो ये है कि जो स्थानीय मिलिटेंट बंदूक आपको रुकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। खबर यह है कि जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़ा है। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की है, फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को वापस भेजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं। What was all the other materials used in it, that is also being probed, but RDX presence is available, and RDX is something which is a military grade explosive which is not easily available left and right. It has to be procured from certain agencies of the government, and for that matter that aspect would also be probed. So does it target say that Pakistan army or ISI is involved? See, you cannot rule out when this kind of attack takes place and a big outfit which is run from the Pak land is involved in this and very strongly suspected to be involved in this. So you cannot rule out hand of other agencies which have been fomenting trouble in Jammu and Kashmir and which have been sustaining the cycle of violence for many years now. Sir, meetings are going on, any anti-drone system or any, what are the... We have taken a review of security of vital installations and some special measures have been taken and more measures are required to be taken in that regard. We would focus on we would focus on use of technology, we would use other countermeasures which are available. And definitely see that the security of the vital installations is revisited and reoriented. Do you think because the political process is going to start, all party meeting has happened, and the democratic process is again going to start, so this has led to this kind of attack? Democratic process has never been to the liking of elements inimical to peace and democracy. They've been always targeting any such process taking place in the valley. Earlier, during the election, they resort to violence. They go and target political persons in Kashmir in a big way. And we've been day in and day out trying to work out those cases and also eliminate the terrorists involved in those attacks. So they get ruffled, they get disturbed, they get upset with these kind of developments where Kashmir people, Kashmir society participates in the peace and development process. There is no denial of that fact. The last question, there is an encounter going on, any details on that? I think that encounter has almost come to an end now. We unfortunately lost. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।